शुभ कार्याला अविस्मरणीय करणारे आणि नात्यातला जिवाळा जपणारे जय मातादी मंगल कार्यालय, प्रशस्त हॉल, लॉन, डायनिंग हॉल, वधूवर रूम्स, गेस्ट रूम्स, प्रसन्न वातावरण आणि रस्त्यालगत असलेले विट्यातील एकमेव मंगल कार्यालय जय मातादी मंगल कार्यालय। प्रोप्रायटर अण्णा सुभराव शिंदे। आमचा पत्ता तासगाव रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ विटा। नमस्कार, मी चेतन सावंत, आपण पाहताय वज्रधारी न्यूज। कोरोना ह्या विषाणूचं महाभयंकर संकट, अक्षरशः जगामध्ये ह्या संकटाविरुद्ध लोक मुकाबला करतायत ह्या संकटाच्या विरोधात। आणि हे जे संकट आहे ते मागच्या काही दिवसांपासून भारत देखील ह्या संकटापासून सुटू शकला नाही, आणि ह्या संकटापासून वाचण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना म्हणून भारताने लॉकडाऊनची घोषणा केली। आणि ह्या लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर अनेक घटक त्यामुळे प्रभावित झालेत, मग त्यात शेतकरी वर्ग असेल, मजूर असेल, कामगार असेल, इतर सामान्य नागरिक असतील, हे सगळे घटक त्यातून प्रभावित झाले। तर आता जे स्थलांतरित परप्रांतीय होते त्यांच्यावरती देखील किंवा ते देखील बऱ्याच अडचणींचा सामना करत आहेत। आज आता आपण थांबलो इथं कडेगावमध्ये, हे काय परप्रांतीय बांधव हनुमंत वडव्यातून कराडला चालत चालले, हे साधारणतः 12 वेळ आहे, भर ऊन आहे, या उन्हामध्ये साधारणतः 35-40 किलोमीटर ते पायी प्रवास करत आहेत। तर त्यांच्याकडूनच नंतर जाणून घेऊ आपण। आप क्यू चल के क्यू जा रहे हो आप? आपको कुछ मिल नहीं रहा है चलने को, कोई कुछ ऐसे कोई बिठा नहीं रहा है, गाड़ी में बिठा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप रह सकते थे ना? इधर बहुत गड़बड़ हो रहा है, पैसे नहीं है ना, कुछ खाने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है अभी तक, क्या दिक्कत है? अभी ड्यूटी नहीं चल रहा है हमारा। हाँ तो क्या कि सर हमको खर्चे का पैसा उतना ही मिलता है। हाँ जितना कि काम करोगे, काम करने के बाद में भी फिर भी बैठने से भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा इतना इतना पूर्ति नहीं होगा हमारा। तो फिर लेकिन अभी गांव में जाके भी खर्चे का पैसा उतना ही मिलता है। हाँ जितना कि काम करोगे, काम करने के बाद में भी फिर भी बैठने से भी मिलेगा। हाँ लेकिन मिलेगा इतना इतना पूर्ति नहीं होगा हमारा। तो फिर लेकिन अभी गांव में जाके भी हम सर चावल नहीं खाते हैं, हम लोग रोटी और सब्जी बनाते हैं। गाँव में जाके हमारा थोड़ा खाना महंगा पड़ता है, वो तो एक अपने काम दाम देखे गाँव में जाके, उधर जाके अपना देखते हैं, इधर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उधर अपना गेहूँ है। अभी सिर्फ खाने की दिक्कत आई इधर, खाने पाने का भी नहीं, काम करने का दिक्कत ज्यादा है, काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कत है। खाने के लिए तो मिल रहा है सर, लेकिन वापस अभी जाओगे तो वापस कब आएंगे? उसके बाद में आएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, ये अपना कोरोना वायरस कम हो जाएगा। अभी आप काम किधर करते हो? हनुमंतवाड़ी में। हनुमंतवाड़ी में करते हैं, वो अपना ब्रिज का काम। फिर अभी चल के जा रहे हो? चल के जा रहे हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर उधर से कराड़ से कैसे जाओगे? कराड़ में सर एक गाड़ी है हमारा। हाँ गाँव जाने वाला, तो गाड़ी से जाने वाले हो? गवर्नमेंट से कुछ दरख्वास्त करोगे? गवर्नमेंट से क्या करना चाहते हैं, लॉकडाउन जल्दी खोलें, बाहर का लोग बहुत इधर बहुत तकलीफ हो रहा है उन लोगों को। अभी आप जिधर से मतलब जिधर रह रहे हो कितने जने हो आप? अभी तो हम उतने ही जने, छह जन आए थे साथ में और अभी 6 जा रहे थे। घर वालों का कुछ फोन भी कुछ आता है ना सर? क्या बोलते हैं घर वाले? बोलते चले आओ, बहुत दिक्कत है इधर, और उधर से ज्यादा भी है इधर कोरोना। घर वाले भी बोल रहे कि आ जाओ करके। घर वालों ने बोला कि अभी इधर बैठने से क्या था, घर पे ही आओ। बैठने से क्या रखा, काम धाम है नहीं, बस खाने पीने का सेट अच्छा नहीं है।